एक आपका पहला अटेम्प्ट है रोडीज में? या इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट, आई एम सॉरी। इस साल और आप पिछले साल में क्या फर्क है? मे बी मैंने इस साल जीडी के लिए प्रिपेयर किया था, तभी शायद मैं फर्स्ट राउंड जीडी का क्लियर कर पाया हूँ। That's why, and I'm looking forward to meet two intelligent minds inside, and I'm very excited to meet them. So let's see what happens inside. Okay, go for it. Thanks, bro. Sir, Vivek Sharotri. हाँ जी Sharotri. अपने बारे में कुछ बताइए। या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी इस टाइम, गानों के लिए पागल इंसान हूँ। यार आपने ना अपने फॉर्म में कुछ अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कई एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, उसको मैंने अलग से थोड़ा किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। I want to confirm that this is what you wrote. हाँ जी हाँ जी। Insanic mind. Insanic mind. Insanic मतलब क्या होता है? पागल, पागलपन, psycho. There's no such word. That's insane. Insane, okay, you can say. मैं actually fast लिख रहा, so insanic लगा दिया। आपने छह बार, तीन चार बार लिखा आपने, but ठीक है। अब psycho maniac हैं आप। Different way of thinking, ये लिखा आपने। आपका सोचने का तरीका अलग है, सो आपका नजरिया ही अलग है। थोड़ा सा अलग है। ठीक है। You आपने लिखा है कि नहीं? हम ये जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। You screw others' minds, in fact you enjoy screwing others' minds. I can screw anybody's mind. Okay. You can turn the game around. मतलब मेरी तरफ से I can do that. आपका कल group discussion topic क्या था? कॉलेज में कॉन्डम वेंडिंग मशीन यूज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक कॉन्डम वेंडिंग मशीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्या राय था? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यहाँ कॉलेज में विद्यालय है, शिक्षा करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, कि ना कि कॉन्डम वेंडिंग मशीन अवेलेबल इन द मार्केट। यार मुझे बताइए कि आपको आप अपने आपको अवेयर बोलेंगे या इग्नोरेंट बोलेंगे? आई एम अवेयर। यू आर अवेयर। तो अवेयर है ना? हाँ जी हाँ जी। एड्स इज अ प्रॉब्लम, आप अवेयर हैं एड्स के प्रॉब्लम के बारे में? एब्सोल्युटली, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। यूथ, यूथ इज अ हाई रिस्क कैटेगरी इन एड्स। यूथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क, हाईएस्ट एट रिस्क, कि वो lack of knowledge वगैरह की वजह से जो भी है AIDS के लिए susceptible है। And also are you aware of that fact? Yeah, I am aware of the fact. आपको मालूम है कि condoms के बारे में बहुत सारा प्रचार किया जाता है government की तरफ से, पता है ना आपको? हाँ जी मुझे पता है। इसलिए क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, प्लस अगर पता भी हो, because of stigmas attached और embarrassment, लोग मार्केट में जाके जो आप कह रहे हैं अवेलेबल है कॉन्डम खरीदने में शर्माते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सबको बोल रही है कि एड्स से बचो, और इतना हाई रिस्क तुम्हारा एक एक कम्युनिटी कॉलेज में है, और कॉन्डम से वो चीज, ऑब्वियसली दे आर सेक्सुअली एक्टिव, कॉन्डम से वो चीज अगर बच सकती है तो क्यों ना उनको ऑब्जेक्शन कहते हैं, एक इजी एक्सेस दे दे। आप शायद यूज नहीं करते, आप फिर रेफर उसी को बात कर रहे हो, कॉलेज में कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगा दो, है ना? मतलब आप तो ये मेरे को ऑब्जेक्शन, सर आप ये बात नहीं समझ रहे मेरी, लड़के किस किन चीजों पे, लाइक एक कॉन्डम को लेगा, कम ऑन यार। तो प्रॉब्लम क्या होगी अगर कॉलेज में कॉन्डम? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? गाइस इज गोना मिसयूज द कॉन्डम वेंडिंग मशीन। टू मिसयूज द कॉन्डम, आई वांट टू नो। अपने दिमाग से पूछ के बता ना। कॉन्डम का मिसयूज ये है, फुला दो, ये कर दो, खेल ली जाओ उससे, तो फिर लड़कियों को बुरा लगेगा ना, फिर उसके बाद फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर उसके बाद यू नो फिर नेट पे जाएंगी। अगर कॉन्डम को फुलाया जाए आपको प्रॉब्लम है उससे? किसी का कोई नुकसान हो रहा है? लड़कियों और औरतों के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप एक कॉन्डम के साथ मिसयूज कर रहे हैं, मतलब उसको फुला रहे हैं, मुझे नहीं लगता। बॉयज लू, लड़कियां है नहीं आसपास, अब क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बॉयज लू, या इट्स इन द लू, फिर भी बुरा तो लगेगा। क्यों लगेगा तेरे को? किसको बुरा लगेगा? किसको बुरा लगेगा? पड़ रहा है वो बाथरूम में तो गंदी पड़ेगा, ऑब्वियसली उसका कौन सा प्रॉब्लम? क्या है कॉन्डम को देख के? प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्डम देख के तेरी फट्टी मुझे प्रॉब्लम क्या तेरे को? बता मेरे को। नहीं, कल बड़ा जीडी रूम में चला रहा था तू। नहीं 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 सर, बता मेरे को प्रॉब्लम क्या तेरे को? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कल तो बड़ी थी प्रॉब्लम। मुझे वैसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्डम को लेके। तू कह रहा है कि यहाँ पर कॉन्डम वेंडिंग मशीन नहीं होना चाहिए, मेरे को रीजन दे उसका। कॉन्डम का मिसयूज होगा, मिसयूज होगा, मैं दुकान से खरीद के मशीन। सुन मेरी बात, मैं कॉन्डम दुकान से खरीद के मैं नहीं कर सकता मिसयूज। आपकी बात मैंने मान ली सर, मान ली। तो कल क्या चिल्ला रहा था? आपकी बात ये वाली बात मानी है कि कॉन्डम वेंडिंग मशीन लगा देते हैं ठीक है कॉलेज में? बताओ बताओ, ठीक है उसके बाद वहाँ पे कॉलेज में सेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा? दैट इज सेक्स हो रहा है बिकॉज़ यू डोंट डू इट डजंट मीन नोबडी इज डूइंग इट, यू आर अ लूजर इन लाइफ। तो सेक्स होना चालू लड़की नहीं आ रहा जिसको तू, यू हैव टू गेट अ कॉन्डम, यू हैव टू गेट अ गर्ल, ऑब्वियसली वहां पे कैसे सेक्स होना शुरू होगा? कॉलेज लड़कों का तो है नहीं। एक बात बता, लड़कों का तो है नहीं। एक बात बता, किसी का भी हो, am I right? Tell me, even लड़कों का भी हो, कीप अ कॉन्डम, क्या प्रॉब्लम है? चल चल, नो नो, यू गेट योर एक्ट टुगेदर राइट नाउ। डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग जो है ना तेरा, मेरे हिसाब से तेरे रास्ते होके निकलता, तेरा हिसाब से तू बॉन्ड है सबका,
रहता तू ना, तेरा हिसाब अपना क्या यार, किस बलबूते पे इंसैनिक माइंड जैसे वजह से एड्स हो रहा पता है इस कंट्री में? इंसैनिक माइंड, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, यू कैन स्क्रू अदर्स माइंड्स। आई वुड नेवर हैड इट हैव इट बिफोर मैरिज। तू जैसा वीक माइंडेड ये कह रहा है कि मैं आई कैन स्क्रू अदर्स माइंड्स। आई डोंट थिंक यू विल हैव सेक्स इवन आफ्टर मैरिज, हां बाय द वे। नहीं, मैरिज तो दूर की बात है। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हिज पर्सनालिटी दैट इवन ही डजंट नो, व्हिच आई एम कमिंग टू राइट नाउ। चलिए ठीक है, गुड डे, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। रिसेंटली देयर वाज अ गे प्राइड परेड इन मुंबई, वुड यू कॉल इट प्रोग्रेस? इसका आंसर पढ़ के बताओ। नो, it can never be called as progress. India must maintain its tradition, culture. Government should not let people thinking down. Either make absolutely rules or don't right flaunt this topic. Kya problem hai tere gas se? Mujhe problem? Haan. Tujhe problem nahi? Ye kya answer hai? No, absolutely no yaar. India mein kyun had hai yaar? Had kis cheez ki had? अच्छा आंसर नहीं किया, क्या लिखा आपको, क्या लगता है? नहीं अच्छा लिखा मेरे को, अच्छा बुरे की से फर्क नहीं पड़ता, ये क्यों लिखा? अच्छा आप बता दो मेरे को, गे प्राइड आया कहां से है ये? इंडिया में क्यों आ गया? बेसिकली वेस्टर्न से ही स्टार्ट हुआ, तभी इंडिया में। किसने बोला? मुझे ऐसा लगता है। कहां पढ़ा? मेरी नॉलेज, तेरी नॉलेज कहां से आई है? कहां पढ़ा तूने? जहां से भी आई है वो तो बता ना मेरे को, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनवाइट? की ये वेस्टर्न से आया, ये किसने बोला तेरे को? यू रेड बुक्स ना? हां जी। काम सूत्र के बारे में पता है? आई से नो, ऑब्वियसली नॉट। पढ़ा नहीं है या आपको पता नहीं है काम सूत्र क्या है? पता नहीं, नहीं पढ़ा, पता नहीं, नहीं पढ़ा, पढ़े कभी मतलब कोशिश नहीं की, मतलब कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ जी ऑब्वियसली, मूवीज एंड ऑल, बुक्स एंड ऑल। काम सूत्र वात्स्यायन ने लिखी, वात्स्यायन ने लिखा, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इट्स अ टेक्स्ट लिटरेचर वर्क्स इन इंडिया, सेक्स, ठीक है, पूरी दुनिया मानती है, कल्चर। इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड द लैंड ऑफ द काम सूत्र, समझ रहे? हाँ जी, ओके। पूरे दुनिया में सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज इंडिया ने किया है, इंडियंस को लेके। नहीं था मालूम, तभी मैंने शायद मैं फिर जो भी है, चलो हाँ, तो यही वेस्टर्न से आया, वो तेरा पॉइंट गया। आगे बोल, प्रॉब्लम क्या तेरे को गेस? व्हाई आर यू सो बिगेटेड एंड व्हाई आर यू स्मॉल माइंडेड? नाउ ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा है ऑब्वियसली, ऐसा है आपको लग रहा है, मतलब ये स्मॉल माइंडेड मैं बता रहा हूँ, आपका नॉलेज जीरो है, आपकी अवेयरनेस जीरो है, आपने अपना परसेप्शन, हर एक का एटीट्यूड होता है, हर एक की परसेप्शन होती है, आपको ऐसा डजंट मेक इट राइट, आपका डजंट मेक इट राइट, जो सच होता है ना, यू मे सच होता है, उस हिसाब से जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं ना, उनकी भी अपनी थिंकिंग है, शुड वी अंडरस्टैंड देम? जो फैक्ट होता है, आप यहाँ पे हमारे सामने बैठे हो, हाँ जी, मेरे परसेप्शन में आप उल्टे लेटे हो, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि आप बैठे हो, दैट इज अ फैक्ट। या आंख बंद करने से ना सूरज नहीं डूब जाता। Now I'll come to the point that about his the sexual habits, yeah, which I said I'm going to tell him something that even he doesn't know. काम सूत्र के बारे में नहीं पढ़ा, वात्स्यायन का नाम नहीं सुना, फ्रॉइड का नाम सुना? हाँ जी, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना? नहीं सुना, बोल दे, हमें पता तूने नहीं सुना। I'll tell you, he is one of the most recognized, most famous philosophers and psychologists in the history of the world. Sigmund Freud. All right. Okay. Okay. He says, homophobes. हाँ जी, यू आर अ होमोफोब, ये जो आपका आंसर है, होमोफोब, समबडी हु हैज अ फोबिया ऑफ गेज सेक्सुअल्स, ऑल होमोफोब्स आर क्लोजेट गेज, यू माय फ्रेंड, यू माय फ्रेंड आर अ गे, आप होमोसेक्सुअल, आपके जो बात करने का तरीका, आपके जो हैंड मूवमेंट्स है ना, वेरी क्लियरली, वही तो बात है ना, वेरी क्लियरली आपको लग रहा है, नहीं नहीं, ये हमको लग रहा है, लगने की बात नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड इज एन अथॉरिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कांट आर्ग्यू विद इट, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद इट, व्हाट ही इज रिटन एंड दैट इज लॉ। सच्चाई कुछ और होती है, सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई वही है जो उसने लिखा है, यू आर गे माय फ्रेंड, नो, यस, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव सेक्स, दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम विद पीपल हैविंग सेक्स, ही इज माय माइंड, मैं भी बोल सकता हूं, बट ही इज माय माइंड, ही इज इनसेनिक माइंड, इज इनसेनिक माइंड, ही इज गेटिंग इट, he's turning the game around, yes, Rajesh. Yes, what? He's turning the game. Oh my god, oh my god, he's screwing up, oh mine. My god, aapka naam bhul gaya kya, aapka naam Vivek pakoda, main ab kuch nahi bolunga, haan ji, I'll just view you, you turn the game around now, yeah, it was excruciating, but thing is aap galat soch rahe hain, but aisa sochna nahi chahiye, but turn the game around, I mean, okay, we should be sitting like this and you should be making points. ओके, आपको लगा मेरे फॉर्म को बढ़कर जो भी आपने मुझे कहा वो आप सुन ही चुके हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है यार, नहीं नहीं, ओके, मैं भी अभी आ रहा हूं, आपको, आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम मिलने पे कोई भी इंसान के बारे मेरे पास ना टाइम नहीं है, तू बात कर, टर्न द गेम अराउंड बड़ी फास्ट, नहीं जान सकता, यहाँ लिखा तूने, आई कैन टर्न द गेम अराउंड, टर्न इट, दिस इज हाउ यू आर टर्निंग इट अराउंड, बाय विंपरिंग लाइक अ
That I can only try, like, main tabhi. Please try without the accent. Okay. All right. Try. Okay, I'll. मैं यही बोल सकता हूँ कि भई if anyone, you know, मतलब यार ये हर एक चलो ठीक है कुछ नहीं बोला जाता. Anyway. Vivek, get out. All right. Thank you so much. जजेस को लगा आप इग्नोरेंट है, यू आप निहायत ही बेवकूफ गवार है, ऐसा क्यों लगा उन्हें? वो उनकी अपनी परसेप्शन है, उन्हें गलत लगता है मेरे हिसाब से. मेरे को ना समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों पे हंसूं या उनके दांत तोड़ दूं. हर एक की थिंकिंग होती है अपने आप, अपनी थिंकिंग होती है, बट मैं यही बोलना चाहूंगा दे थिंक जस्ट द रॉन्ग फॉर गाइस फॉर एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड. विवेक, तू ना यूनिक है, ना तू डिमोनिक माइंड है, ना तेरे में अक्कल है, ना तेरे में टैलेंट, ना तेरी जिंदगी में ना शख्सियत है, और ना कभी कुछ हो सकती है इस तरह. लेकिन इस कैन यू सी हिम ऑन द शो.